समस्तीपुर के युवा सांसद प्रिंसराज पासवान आज लोकसभा में जिले के मुक्तापुर स्थित बंद पड़े रामेश्वर जूट मिल का मुद्दा उठाया। कहा जल्द मिल खोलकर मजदूरों की समस्या दूर की जाए। आपने सदन में हमें बोलने का मौका दिया और सबसे पहले तो मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो सबसे हम सांसद निर्वाचित हुए, हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है सदन में, आपसे बैठते हैं तो आपको क्या महसूस होता है। उन्हें यही कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम वापस अपने बचपन में कक्षा में वापस आ गए हैं, जहाँ पर अध्यापक हमारे सामने बैठे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कितना करते हैं, कुछ ऐसे अव्वल दर्जे के स्टूडेंट होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ साथ बैठते हैं। साथ में वो भी डेल रहता है जो बैग एक स्टूडेंट को वो तब होता था जब पीडीएम जो तरुण टीचर मीटिंग जब वहाँ से उनके गार्जियन जब स्कूल आते थे उनको रिपोर्ट कार्ड देते थे, वो बैग हमें रोज रहता है। क्योंकि इस सदन में अगर हम बैठते हैं हमारे समझ हमारे भैया हमारे पिताजी हमारे बड़े पापा मजे पापा जब यहाँ रहते हैं तो वो तो हमें हमेशा रहता है कहीं गलती कहीं चूक ना हो जाए। तो सर हम आपसे आग्रह करेंगे और सभी सम्मानित सदस्य हम ये आग्रह करेंगे, हम पहली बार बोल रहे हैं सदन में, अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो कृपया करके उसे माफ करें और उसे निवेदन प्राप्त करें। तो आज सर मैं अपने छोटी समस्या से आपके समझ सकना चाहता हूँ। सर ये समस्या तो हमें 2015 में जब चुनाव विधानसभा के लड़े थे तभी हमारे समक्ष आई थी और हमारे पिताजी के प्रयास से उसे निदान मिला था। सर ये समस्या सर हमारे समस्तीपुर क्षेत्र से सर लोग हमारे लोकसभा समस्तीपुर क्षेत्र से जुट मिल कारखाने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो कारखाना सर काफी समय से सर कुछ कारणवश बंद करा है। 2015 में जब ये समस्या हमारे सामने आई थी हमारे पिताजी के प्रयास से सर ये समय जैसा, लेकिन पिछले साढ़े तीन साल से ये कारखाना बंद है। सर आपको हम बता दें कि ये कारखाने में लगभग 5,000 वर्कर काम करते थे, जो कि इस कारखाने के बंद होने की वजह से सर वो दूसरे प्रदेशों में जाकर सर काम कर रहे हैं। सर आपके माध्यम से हम बता दें सर ये मामले से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रहते सर ये सिविल सप्लायर का मामला है। सर ये जो जब ये कारखाना जब ये जो कंपनी है सर तो जब इन्होंने सर अपना ऑर्डर जब इन्होंने अपना प्रोडक्शन करके सर जब ये राज्य सरकार को दिया था सर उसमें से कुछ राशि सर बकाया रह गई थी जो कि इस कंपनी को नहीं मिली थी, जिस वजह से सर ये कंपनी के ऊपर सर कार्रवाई हुई थी और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो ये हमारे पास ये कोई सर जरूरत है कि जिस पिछले 2 महीने की जजमेंट है सर ये 10 अक्टूबर की जजमेंट है सर ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये साफ ये लिखा है कि आई कोर्ट सर क्लियरली स्टेटिंग दैट द क्लेमेंट हैज नॉट वायलेटेड एनी कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड देयर इज नो चांस ऑफ ब्लैकलिस्टिंग एग्रीमेंट। सर इसमें साफ लिखा है सर जो जिस आधार पर सर कंपनी को सर ब्लैकलिस्ट किया गया था वो वाजे नहीं है। और सर इसमें मैं एक और ऐड करूंगा कोर्ट की सजेशन है कि दी अमाउंट इज पेबल बाय दी कॉर्पोरेशन टू दी क्लेमेंट सर विद अलॉन्ग विद एट 12% हाफ टेली कंपाउंडेबल, मतलब कि जो राशि सर बताया है सर उसे देने की सर यहाँ सोच ने सर उन्हें आदेश दिया है। सर हम आपके माध्यम से सर केंद्र सरकार से सर ये आग्रह करेंगे कि सर इस राशि को जल्द से जल्द सूचित की जाए ताकि सर जो वो चाहे 5,000 जो मजदूर है जो अपने दूसरे देश में उनका काम कर रहे हैं सर वो वापस आके सर वहाँ अपने परिवार के साथ रहकर उनका पालन पोषण करें, उनका ध्यान रखें और अपने देश प्रदेश में वो काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप राव यादव। Make the ground shake.